हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबली वर्किंग एट योर होम विथ योर कंप्लीट गिविंग योर 100%। आज क्रैश कोर्स में मैं जिस चैप्टर को लेकर के आया हूँ, इनफैक्ट कैलकुलस अपन ने खत्म कर लिए, अब हम जिस चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लेंगे, फिर अपन अलजेब्रा ले लेंगे, फिर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड जेई मेंस के टॉपिक लेकर के चैप्टर की मतलब क्रैश कोर्स की क्लोजिंग करेंगे। कैलकुलस में आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, कल तक के बाद आप कैलकुलस के क्वेश्चन को करते रहिए, अपने आइडिया से लेते रहिए कितना आपको कैलकुलस में वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स में सबसे पहले चैप्टर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है कि हम लोग कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे? 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। बच्चों ध्यान रखना कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली आने चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सक्लूसिवली। ठीक है, जिसमें स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन श्योर है, सर्कल का एक क्वेश्चन श्योर है, और बाकी 3 चैप्टर जो अपने पास बचते हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उसमें पैराबोला, एलिप्स से एक क्वेश्चन और एलिप्स और हाइपरबोला से एक क्वेश्चन कॉमन है। मतलब कि ऑलमोस्ट मान लो कि कोनिक सेक्शन से 3 पार्ट आएंगे, 3 क्वेश्चन आने की, 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। स्ट्रेट लाइन की बात करें, आपको पता है बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर मैं इसको खत्म करने को लगूँ तो फिर एक हफ्ता लग जाता है इसको खत्म करने में। तो मैंने बहुत ब्रीफली बहुत काम की चीज़ों को उठाया, उनके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें बताता जाऊँगा थ्योरेटिकली और क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगन विद द चैप्टर। आर यू रेडी? ओके मेरे नवाबों, ध्यान से। ठीक, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ फिगर्स होते हैं जिनको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन वाले फिगर्स जो होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन करके होते हैं। क्या क्या होता है? पैलोग्राम होता है, पैलोग्राम के अंदर रेक्टेंगल्स भी आता है, पैलोग्राम के अंदर रोम्बस भी आता है, पैलोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आता है। ठीक, फिर आता है ट्रैपीजियम, आइसोसेलस ट्रिकुलेटर ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम कैसे बनता है पता है आप लोगों को? किसी भी ट्रायंगल से एक ट्रायंगल को उड़ा दो तो देखो जो फिगर बचेगा वो फिगर क्या कहलाता है? हमारा एक ट्रैपीजियम कहलाता है। फिर काइट का शेप होता है। ठीक है, काइट का शेप इस टाइप का होता है। काइट के शेप में 2 डायगनल्स परपेंडिकुलर होती हैं, 2 साइड बराबर होती हैं, 2 अनदर साइड बराबर होती है, बट डायगनल्स इक्वल नहीं होते। फिर आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है इसमें टॉलमीज थ्योरम होती है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और किसी भी फिगर को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम लोग एक थ्योरम का यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम, इसे पी साइलेंट होता है। ठीक है, क्या होती है वो? वो ये होती है कि अगर मान लो मैंने देखो उसको ए बी सी और डी। ठीक है, तो टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है बेटा? टॉलमीज थ्योरम कहती है डायगनल्स का प्रोडक्ट, दैट इज ए सी इंटू बी डी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ए सी इंटू बी डी शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट प्रोडक्ट ऑफ द अपोजिट साइड का सम। ठीक है, यानी कि ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी। तो ये हमारी टॉलमी थ्योरम होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्टिसेस दिए होते हैं किसी एक फिगर के और हमसे पूछा जाता है कि फिगर कौन सा फिगर है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए पैलोग्राम में मैंने फोटो नहीं बनाई, सबको पता है। ट्रैपीजियम के बारे में मैंने बता दिया, काइट के बारे में मैंने बता दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आइडियल सिचुएशन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आईटी ने 2000 के अंदर, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा उठा रहा हूँ, आईटी ने ध्यान रखना इसको नोट में डाल देना चाहो तो, आईटी ने क्या किया 2000 के अंदर, आईटी 2000 में उसने बोला था कि 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को उसने लिख रहा था, जैसे भी आजकल भी आता है इस टाइप का डी ऑफ ए बी। ठीक है, तो डी ऑफ ए बी को उसने लिखा था मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी प्लस का मॉडुलस वाई ऑफ ए माइनस वाई ऑफ बी। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ होती है ना बेटा, ये डिफाइन करके दी जाती है। उसने बोला आज से आप डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी जगह पे ये यूज़ करोगे। ठीक है, आज से मीन्स उस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है कि वेन एवर वी आर कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डोंट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर वो डिफाइन करके कुछ दे रहा है तो वो आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला या डिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त इस तरीके की मैनिपुलेशन का यूज करना पड़ेगा। आईटी 2000 का पेपर में ये क्वेश्चन आया था लगभग 20 साल पहले, बट उसने कंसेप्ट बहुत प्यारा उठाया, तो इस कंसेप्ट को उसने रिपीटेशन भी किया था।
रिपीटेशन अगर आप ध्यान से उठा के देखेंगे तो 2010 के बाद आपको किसी क्वेश्चन में आईटी एडवांस के अंदर इसका रिपीटेशन मिलेगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि डिस्टेंस फॉर्मूले का ये मतलब नहीं होता। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब सिंपल सा फंडा होता है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इस तरीके से ले लेते तो ये आ जाता है तुम्हारा y1 माइनस y2 का डिस्टेंस, ये आता है x1 माइनस x2, और यहाँ से अगर मैं a और b के बीच का डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके, बात आती है आगे की। ठीक, फिर वो बोला सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात उससे किसकी बात करिए आपसे? सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप का होता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है जो सामने लिखा हुआ है। इंटरनली अगर मैं डिवाइड करता हूँ कि दो पॉइंट अगर हमें दे रखे, कोई पॉइंट ए दे रखा है, कोई पॉइंट बी दे रखा है, उसको एक पॉइंट पी है, किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, m:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो पी के कोऑर्डिनेट ये आएंगे m(x2) + nx1 / m+n, my2 + ny1 / n+n। क्लियर है? अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इफ इज पॉजिटिव द डिवीजन इज इंटरनल, बट इफ इट इज नेगेटिव देन द डिवीजन इज एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पे अगर प्लस साइन चल रहा है, यहाँ पे अगर प्लस साइन चल रहा है पॉजिटिव है तो ये इंटरनल डिवीजन कहलाएगा, और यहीं पे अगर माइनस साइन चला दूंगा तो ये कैसा कहलाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। ठीक, ये पॉइंट ध्यान रखना। इफ पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n एंड क्यू डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, देन पी एंड क्यू आर द सेट टू बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये टर्म ध्यान रखना, ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस टाइप के क्वेश्चन मिले, बट जेई मेन्स में मेरे नवाबों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जेई मेन्स में हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है उसको समझ लो ज्योमेट्रिकली, कि अगर ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, इसको पी पॉइंट और क्यू पॉइंट सेम रेशियो में इंटरनली m:n और एक्सटर्नली m:n के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो फिर एक रिलेशन आता है 2 upon AB = 1 upon AP + 1 upon AQ। तो पी एन क्यू आर नोन एज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ, पी एन क्यू आर नोन एज सेट टू बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू ए बी। इसको जनरलाइज करोगे तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, 2 upon AB = 1 upon AB + 1 upon AQ, और यहाँ से आएगा AB, AP, AB and AQ, दीज आर इन HP। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट विदाउट टाइम वेस्टिंग। ओके, फिर कुछ बातें होती है हमारी कि हम सेंट्रोइड की बात करें, हम इन सेंटर की बात करें, इन अ ट्राइंगल एक्स सेंटर की बात करें, ऑर्थो सेंटर की बात करें, ऑर्थो सेंटर की बात करें और सरकम सेंटर की बात करें। ठीक है, ये पांच चीज़ें होती हैं बेटा, सब पता होगा, इससे बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। किसी ट्राइंगल के अगर तीनों वर्टिसेस हमें पता है तो जो सेंट्रोइड होता है, करेक्ट है, वो क्या होता है? मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। सेंट्रोइड इज द मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इन सेंटर इज द एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, एक्स सेंटर इज द टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ऑर्थो सेंटर इज द एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और सर्कम सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाता है। ठीक है, अगर तीनों के वर्टिसेस मान रखे तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको याद होने चाहिए। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर क्यों नहीं याद करते अपन? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले होते हैं, उनको हम लोग मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो होता है आई, ठीक है, डिवाइड द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो b + c = a, b + c = a के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड सो ऑन। इन सेंटर एक्स सेंटर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये वही वाला हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला फंडा आ गया कि इन सेंटर एंड एक्स सेंटर आर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर ऑन विच दे लाई। क्या मतलब है इसका? कि जैसे मान लो मैं इसी को एक्सटेंड करता, ठीक है, ये हमारा इन सेंटर आ गया, ये वर्टेक्स ए आ गया, ये इन सेंटर का पॉइंट आ गया मान लो कोई डी, और ये हमारा एक्स सेंटर आ गया, क्या आ गया? i1। ठीक है, तो ये i1 है, मतलब इस फोटो का मैं ऐसे निकाल दूं तो ये हमारा i था, ये हमारा a था, ये हमारा d था और ये हमारा i1 था। i1 मतलब एक्स सेंटर, i मतलब इन सेंटर और ये और d, तो i और i1 हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसके रिस्पेक्ट में? a और d के रिस्पेक्ट में, ये वही लिखा हुआ उसने। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑलवेज कोलिनियर, सेंट्रोइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। HGC करके होता है, HGC, जी इज द सिंबल फॉर सेंट्रोइड, एच इज द सिंबल फॉर ऑर्थो सेंटर एंड सी इज द सिंबल फॉर सर्कम सेंटर। ठीक है, और ये होता है कितना है? ये होता है 2:1। ठीक है, नेक्स्ट आता है
इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल जी ओ आई एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन. इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल जी ओ आई एंड सी जी ओ आई एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन एंड इन एन इक्वेटर ट्राइंगल दीज पॉइंट फोर पॉइंट्स आर कॉन्साइड. मतलब अगर आइसोसेलस ट्राइंगल है तो ये तीनों पॉइंट्स को चारों पॉइंट को लीनियर होंगे और इक्वेटर ट्राइंगल है तो चारों पॉइंट सेम पॉइंट होंगे. आइसोसेलस ट्राइंगल है तो चारों पॉइंट बेटा कोलिनियर होंगे और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो चारों पॉइंट सेम पॉइंट होंगे. ठीक है, चलिए अब जिसी के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन देखते हैं अपन. क्या कह रहा क्वेश्चन फटाफट पढ़िए. उसने बोला अ ट्राइंगल हैज द वर्टेक्स ए 1, 2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर दिस एंड दिस. क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्राइंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1, 2. एक ट्राइंगल दिया गया जिसका एक वर्टेक्स है 1, 2, मिड पॉइंट दे रखे हैं उसने -1, 1 और 2, 3. तो मिड पॉइंट पता है तो मान लो इसको मैं ए लिख देता हूँ तो हम बी और सी की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिकली. ठीक है, मिड पॉइंट दे रखा है तो 1 ± 3 + 1 2 आ जाएगा. 2 + x = 1/2 तो 2 - 2 0 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे सी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सी की कितना आएंगे 1, 2, 4, 1, 3 आ जाएगा. 6 - 2 = 4 आ जाएगा. तीनों वर्टिसेस आगे पूछा गया उसने सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल तो सेंट्रोइड निकालना है. सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है क्या, x1 + x2 + x3/3 1/2 आ गया, सॉरी 1/3 आ गया और y1 + y2 + y3 6/2 2 आ गया. इन अल्टीमेटली सेंट्रोइड कितना आ गया 1/3, 2 1/3, 2 ये करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, जे मेन से क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस टाइप की क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लेट ए एंड बी एंड सी तीनों वर्टिसेस दे रखे विद द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इफ पी इज अ पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल ए बी सी सच दैट द ट्राइंगल ए पी सी ए पी बी एंड बी पी सी हैव इक्वल एरियाज. अगर ट्राइंगल के अंदर का कोई पॉइंट इफ आई कंसिडर दिस एज ए बी एंड सी और ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट पी था तो ये जो तीन ट्राइंगल बनाता है अगर इनके एरियाज इक्वल होते हैं, ये जो तीन ट्राइंगल बनाता है अगर इसके एरियाज इक्वल होते हैं तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड होता है. कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड होता है. तो पी क्या है, पी इज द सेंट्रोइड. पी क्या है, पी सेंट्रोइड है. अब अगर पी हमारा सेंट्रोइड था, पी हमारा सेंट्रोइड था तो जो पी के कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, this + this + this / 3 तो 6 + 1 = 7 + 3/2 / 3 ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा 2 + 0 + 6/3 तो 2 + 6/3 यानी अल्टीमेटली पी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा 14 × 3 = 17 17/6 6 × 8/3 ये तो पी आ गया हमारा. आगे बढ़ रहे हैं अब. देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट दिस थिंग. अब हमें पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो पी पता है क्यू पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो पी क्यू के बीच में दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P और Q के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला 17/6 - 7/6 इसका होल स्क्वायर प्लस ठीक है x1 - x2 8/3 - 1/3 का होल स्क्वायर. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ PQ क्या निकल के आएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 17/7 = 24 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 1 = 7 7/3 का होल स्क्वायर. कैलकुलेशन कर लेना, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू तो इंटीजर टाइप आंसर है क्या, लेट मी चेक द आंसर. इंटीजर टाइप आंसर है बेटा, यहाँ पे -1/3 था तो -1/3 होगा तो प्लस हो जाएगा. ये करेक्शन था क्वेश्चन में, इस जगह पे -1/3 आएगा तो ये -1/3 की वजह से ये +1/3 8 × 9 की वजह से 3 बन जाएगा. कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा 8 × 9 / 3 3 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली डिस्टेंस 5 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कंसेप्ट वाइज. आगे बढ़े, ठीक है चलिए. अब बात आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की. ट्राइंगल सबको पता है, ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस अगर पता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 (y1) 1, x2 (y2) 1, x3 (y3) 1. ठीक है, मॉड लगा रहा है क्योंकि एरिया में से पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. ठीक है, ठीक
ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में अगर बैठा होगा तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज सेंस में बैठा होगा अगर तो ये एरिया नेगेटिव आएगा। वही है जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे अगर लेकर के आ रहा हो एरिया आउटसाइड जा रहा है, ऐसे ले रहा हो तो एरिया इनसाइड जा रहा है। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो मॉड लगाते हैं, बाकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट उसने बोल रखा है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या आएगा, प्रोवाइडेड द एंटी क्लॉकवाइज द अबव फॉर्मूला विल गिव द नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया अगर क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव एरिया देगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव एरिया देगा। ये पॉलीगन का एरिया है, ये यहीं से आता है जैसे ये लिखा हुआ, तो इसको भी याद रखना, मॉड लगा लेना इसमें भी। ठीक है, एरिया ऑफ द पॉलीगन एन साइडेड का अगर कोई पॉलीगन है तो 1/2 x1 x2 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 x3 y2 y3 एंड सो ऑन, लास्ट में xn x1 upon y1 yn y1। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला है, कई बार यूज हो जाता है इसलिए हम लोग यूज कर लेते हैं इसको ऑर्डर में लिख करके। वही कंसेप्ट इसमें भी लगता है, क्लॉकवाइज देख रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो बाहर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव एरिया आएगा, और क्लॉकवाइज देखोगे तो अंदर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव एरिया आएगा। कंडीशन फॉर कुलिनरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, थोड़ा सा मेरा गला खराब होगा आज, थोड़ा सा आवाज से भी लगेगा आपको। पॉइंट ए बी सी आर कुलिनियर, तीन पॉइंट्स अगर कुलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा। ठीक है, एक कंडीशन स्लोप्स बराबर होंगे, दूसरी कंडीशन स्लोप्स बराबर कर दिए मैंने। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को जीरो कर दिया, कुलिनियरिटी कंडीशन लगा दी, ये वैक्टर में यूज होता है। एंड ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी सी इन द सेम रेशियो, ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी सी इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन एरिया पे बेस्ड। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री एंड एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। इफ इट्स अ डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2, 4 देन वन ऑफ इट्स अ वर्टेक्स। तो देखो एक पैरेललोग्राम दिया गया, ठीक है, अपन ने ऐसे पैरेललोग्राम ले लिया यू, इसके वर्टेक्स डायगोनल ले लिए, मीट करें कहाँ पे, 2, 4 पे। तो इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक वर्टेक्स होगा। तो मान लो ये लाइन थी तुम्हारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, और ये वाली जो लाइन थी ये थी तुम्हारी एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, दैट इज कम आउट टू बी 0, 3 करेक्ट है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अपन ने क्या किया, इस पर एक पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा 3 - अल्फा। ठीक है, इस पर एक पॉइंट ले लिया बीटा कॉमा 3 + बीटा। ठीक है, ये इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये वर्टेक्स कहाँ बैठेगा मुझे पता नहीं अभी। तो भाई इन दोनों का मिड पॉइंट ये आना चाहिए। हाँ, ये वर्टेक्स तो डायरेक्टली आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये वर्टेक्स तो डायरेक्टली आ जाएगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा भाई, सेंटर ऑफ द डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता है। तो ये आ जाएगा 2 है, वो 0 है, तो मतलब 4 करेक्ट है, 4, 4 है और वो 3 है, 5 आ जाएगा। तो 4, 5 ये वर्टेक्स आ गया, कितना आ गया, 4, 5। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स के अंदर आपके सिलेबस में जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है, टाइम लगता है बट क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा स्पीड पे भी काम करना है। इजी चैप्टर होता है एज कम्पेयर टू, जिनको नहीं आता उनकी बात नहीं कर रहा, बट जिनको आता उनको पता होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटिवली आसान होता है, हैवी क्वेश्चन मेंस में बहुत ज़्यादा नहीं आते। हाँ, कैलकुलेटिव जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 200% आएंगे। तो आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हाउ टू हैंडल वेरी स्मार्टली ट्राई टू लर्न दैट थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। ओके, तो हमने फटाफट इसका पॉइंट निकाल दिया, इन दोनों को मान लिया, इन दोनों में मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दिया, तो आई गेट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, और दूसरा रिलेशन आ जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फा प्लस सिक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू आ गया 4, 2, 6, 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू आ गया 3 - 2, 1। ठीक है, तो अल्फा 1 आ गया और बीटा 3 आ गया, अल्फा 1 और बीटा 3 से दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2 और ये पॉइंट हो जाएगा 3, 6। अब अपने पास चारों वर्टेक्सेस आ चुके, 1, 2 है, 4, 5 है, 3, 6 है, 0, 3। चेक द ऑप्शन नाउ, 2, 1 रिजेक्ट हो गया, 3, 6 एक्सेप्ट हो गया, 2, 6 रिजेक्ट हो गया, 3, 5 रिजेक्ट हो गया। यानी अल्टीमेटली करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, तो करेक्ट आंसर है आंसर बी। ठीक है,
ये भी एक जेई मेंस के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। 99% मेरी कोशिश है कि मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चन उठाऊं अब जेई मेंस के जो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, उससे आप इस चीज को एनालाइज करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे फटाफट सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। एक पैरोग्राम है ए बी डी सी, ठीक है, ए बी डी और सी, जो नाम दे रखा था याद रखना, ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी है, बी वेरी केयरफुल। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 4 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 5। तो मुझसे पूछ रहा है इस लाइन की इक्वेशन निकालो, तो मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल दूं, काम खत्म बस। तो देखो बेटा सिंपल सा फंडा होता है, दिस प्लस दिस बाई टू इज सेम एज दिस प्लस दिस बाई टू, यानी 3, 2, 5, 5 - 1, 4, ऐसे 4 + 5 = 9, 9 - 2 = 7। तो लो डी के कोऑर्डिनेट आ गए, कितने आ गए 4, 7। मुझे लाइन ए डी की इक्वेशन लिखनी है, लाइन ए डी की इक्वेशन में मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा ऊपर 2, माइनस का 5 आएगा, तो 5/3 आ गया, तो 3y = 21। 5x आया, माइनस का 20 आया, तो 3y, ठीक है, 3y माइनस का 5x प्लस का 1 = 0। 3y - 5x + 1 = 0, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करे, 3y - 5x + 1 = 3y - 5x - 1 आएगा, नॉट प्लस 1, यहाँ माइनस 1 आएगा। ठीक है, 3y - 5x - 1 = 0, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर डी। तो बेटा देखिए ये भी एक जेईई मेंस का क्वेश्चन था, बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, किस तरीके से कितने स्मार्ट तरीके से किया गया। अरे सीखा कुछ आज, मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही होगी आपको, आई एम नॉट वेल एक्चुअली, दैट इज वाई, बट स्टिल आई एम हेयर फॉर यू ऑल। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा कि अगर सबकी एनर्जी को थोड़ा सा लो फील कर रहे हो आप। तो हमने क्या किया, दिस प्लस दिस इज सेम एज दिस प्लस दिस एक्स कॉर्डिनेट एंड दिस प्लस दिस इज सेम एज दिस प्लस दिस वाई कॉर्डिनेट। वहां से अपन ने डी निकाला, डी की वैल्यू को पुट करा, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया, लाइन की इक्वेशन अपन ने इंटरप्रेट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन, लेट टू पॉइंट्स ए एंड बी, इफ ए पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश बी सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीएबी इज 5 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस थिंग, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ठीक है, तो देखो बेटा उसने क्या कहा है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, 2 वर्टेक्स पता थे, तीसरा वर्टेक्स जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो मैंने तीसरा वर्टेक्स को मान लिया। तो मैंने मान लिया तीसरा वर्टेक्स था क्या था, मान लो अल्फा कॉमा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4λ - 3α। ठीक है, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल। कंडीशन कितनी की मैंने, 1 कंडीशन, क्या एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट, अल्फा 4λ - 3α 1, ठीक है, 1 - 1 = 0, 2, 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट कम वॉट शुड बी इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, what I'll get it over there, alpha times of -1 - 2 - 3 minus ka 4λ - 3α times of ye gaya 1 - 0 to 1 aa gaya plus ka 1 times of ye gaya 2 should be equals to 5 × 10 ± 10 aa gaya, plus minus kyun laga beta, kyunki mod hataya apan ne, theek hai। तो यहाँ से ओपन किया, चलो या तो एक काम करो प्लस 10 रहने दो, उसको मॉड में रहने दो, अभी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन कुछ आसान बन जाए। ठीक है, तो -3α - 4λ + 3α + 2 = 10, ये कट गया। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन का एक जादू बाबू, जादू क्या कह रहा है इसमें, जादू क्या कह रहा है इसमें, आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट किया अल्फा, लैम्डा तो ऑलरेडी गिवन था, लैम्डा तो गिवन था, मैंने क्या क्रिएट किया अपनी तरफ से, अल्फा पैरामेट्रिकली जैसे लेते हैं उस तरीके से,
अब जब मैंने अल्फा को क्रिएट किया तो मैं थोड़ा सा तो संशय में आ गया था, संशय समझते ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया था कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और डाटा तो कुछ और दे नहीं रखा है, वो वेरिएबल ऐसा तो नहीं आगे में कैलकुलेशन में फंसाएगा। और कई बच्चे इसी स्टेप में डर जाते हैं, ठीक है कि सर ये आ गया तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन। तो भैया ध्यान से देखना, कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन इस तरीके से सेट करी जाती है कि जो दूसरा वेरिएबल आपने मान रखा था वो देखो वेरिएबल आपका पिक्चर से गायब हो गया, यानी आपके पास जो एक्चुअली बचा वो क्या बचा, खाली आपके पास बचा 4λ - 2 = 10। यहाँ से निकालेंगे तो 4λ - 2 = +10, या फिर दूसरा केस बनेगा 4λ - 2 = -10। यहाँ से λ = आ जाएगा -2, करेक्ट है, -2 उधर जाएगा -8 होगा / 4, और यहाँ से λ = आ जाएगा 3। तो या तो लैम्डा की वैल्यू 3 होगी या तो लैम्डा की वैल्यू -2 होगी, दो पॉसिबिलिटीज आई। -3 है, -2 नहीं है, ओके। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में गिवन है वो उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कौन सा होगा, बी। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखिए जेई मेंस वाला क्या करते हैं, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करते कई जगहों पे। बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ एक चीज पे अच्छे से मेरे नवाबों, फोकस करना, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इस चीज से आपको मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, आपके पास चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि अगर कैलकुलेशन हैवी जा रही है तो हम डरेंगे नहीं, हम उसको करेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन दिस थिंग, इफ क्यू इज ए पॉइंट दिस एंड आर इज दिस थिंग, आर फिक्स पॉइंट, देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन आया लोकस का, किसका आया लोकस का। लोकस से मोहब्बत थोड़ी सी लोगों को कम होती, क्यों कम होती मुझे नहीं पता बट होती है। लोकस में क्या करा जाता है ध्यान से सुन लेना, पहला स्टेप जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई है वो अप्लाई करिए, दूसरा पहला स्टेप जो वेरिएबल पूछा गया जिसका लोकस फाइंड करना है उसको एच के मानिए, दूसरा स्टेप जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी गई है वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाइए, तीसरा स्टेप अदर देन एच के अगर कोई भी वेरिएबल और आ रहा है तो उसको एलिमिनेट करिए, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप एच को एक्स से और वाई को के से रिप्लेस करके फाइनल लोकस निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो उसने बोला पी एक पॉइंट था, मूव ऑन द लाइन दिस थिंग, तो हमने पी को एज्यूम किया, पहले पैरामेट्रिकली एज्यूम कर लेते हैं टी कॉमा, ठीक है। तो एक्स की जगह पे टी रखा तो वाई की जगह पे आ गया 2t + 4/3, ठीक है। पी आ चुका है, क्यू उसने ऑलरेडी दे रखा हमको, कितना दे रखा 1,4, आर उसने ऑलरेडी दे रखा हमको, कितना दे रखा 3,-2। किसका लोकस चाहिए, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, तो मैंने एज्यूम किया सेंट्रोइड जी जो होगा एच कॉमा के, जिसका लोकस हमें फाइंड करना था किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल्स टू टी प्लस 1 + 3/2, ठीक है। सेंट्रोइड की बात कर रहे हैं, 2t + 4/3 + 4 - 2/3, आई बात समझ में। दोनों को कंपेयर करेंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 3h इक्वल्स टू, इनफैक्ट आ जाएगा टी प्लस 4, और 3k इक्वल्स टू आ जाएगा, वहां से कंपेयर करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू 2t + 4/3 + 2, क्लियर। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है दो, इन दोनों इक्वेशन में एच के अलावा एक वेरिएबल और बैठा हुआ है, कौन सा बैठा हुआ है, टी। मैंने अभी आपको क्या बताया, एच के का लोकस निकालते वक्त एच के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, कौन सा वेरिएबल दिख रहा है टी, टी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू उठा करके यहां से यहां पे रख दीजिए, तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर 3h - 4 = t, और 3k = हो जाएगा आपके पास 2 times of 3h - 4 + 4 + 6, और 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कर दिया 9, ठीक है, +6, ओपन कर दो तो 9k = 6h - 8 + 10, यानी फाइनल जो आपके पास फाइनल आंसर आया इसको इंटरप्रिटेट करके वो कितना आया 10 है तो 2 बच जाएगा, तो 6x - 9y + 2 = 0, तो दिस इज द लोकस 6x - 9y + 2 = 0। उसने पूछा है देन द लोकस इज अ लाइन, लाइन आई है बिल्कुल आई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कैंसिल आउट हो गया, विद स्लोप 3/2, विद स्लोप 2/3 आएगा, ये भी नहीं होगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी नहीं होगा, विद स्लोप 2/3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी आएगा, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन था। तो देखिए किस तरीके से किया गया, लोकस के क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल को एलिमिनेट करा, वेरिएबल को एलिमिनेट किया, एच के को जनरलाइज कर, ठीक है, इस के की जगह पे वाई और इस एच की जगह पे एक्स रख दिया, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। लेट ओ शून्य एंड शून्य ए जीरो एंड वन बी द टू फिक्स पॉइंट देन द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी सच दैट द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल ए ओ पी इज 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखा। लोकस ऑफ ए पॉइंट पूछा उसने। निकालने के इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इसको, मैं बता दे रहा हूँ दोनों तरीके आपको, तो मान लो पहले मेथड से कर रहे हैं, मैं इससे सॉल्व नहीं करूँगा सिर्फ इससे बताऊँगा। ठीक है, मेथड वन, तो ए दे रखा बी दे रखा, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो पी का कोऑर्डिनेट था वो एच के था। अब उसने ट्राइंगल का पैरामीटर दे रखा 4, ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होता है ए पी प्लस पी ओ प्लस ओ ए, दैट विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, ए पी हमें पता ही है, तो ए पी बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस का के माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस पी ओ कितना होगा पी ओ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ओ ए कितना होगा ओ ए 1 के बराबर होगा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 3। जब डबल स्क्वायरिंग करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे गेट द लोकस, और आंसर एक एलिप्स आ जाएगा। ठीक है, आंसर एक एलिप्स आ जाएगा। ये इसका पहला मेथड जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, चवन्नी टाइप कैलकुलेटिव मेथड जिसको बोलता हूँ, जो मैं थोड़ा सा अब आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी होगी, ये मेरा मानना है, ये मेरा एजम्पशन है। तो एजम्पशन है अगर कि आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी होगी तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे अब एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है वो देखिएगा। तो हम इसको मेथड टू से कर रहे हैं। मेथड टू क्या कह रहा है वो समझिएगा। मेथड टू कहता है जरा फोटो को एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अपने पास दो पॉइंट दे रखे 0 0 और 0 1, करेक्ट है। ठीक है, एक पॉइंट पी है जो इस तरीके से नाचेगा कि पी का ए से डिस्टेंस और पी का ओ से डिस्टेंस का सम, पी का ए से डिस्टेंस और पी का ओ का डिस्टेंस का सम 4 था टोटल, 4 में से एक चला गया 3 हो गया। ठीक है, एलिप्स की डिफिनेशन अगर बेसिक आती होगी आपको, तो एलिप्स की डिफिनेशन होती है डिस्टेंस द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए इनके बीच से ज़्यादा होना चाहिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस माने ये 3 आ गया, करेक्ट है। तो डेफिनेटली लोकस तो एक एलिप्स बनेगा, ठीक, जिसका सेंटर ये होगा, ये दोनों फोकस का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? फोकस का काम करेंगे। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a होता है, तो 2a की वैल्यू 3 आ गई, और ये क्योंकि इस फॉर्मेट में बैठा हुआ है तो b का काम कर रहा होगा, तो इसको तो 2b बोलूंगा मैं। ठीक है, और ओ ए जो होगा वो 2be के बराबर होगा। यहाँ से आपके पास ये 1 है तो 2be हो गया, तो e आ गया 1/3, e आ गया 1/3, और b आ गया तुम्हारा 3/2, b आ गया तुम्हारा 3/2, करेक्ट है। अब हमें क्या निकालना है? a निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हमने उल्टा लिफ्ट दे रखा है, ये वर्टिकल लिफ्ट देगा, ध्यान रखना है। कौन सा लिफ्ट देगा? एक ये आपको एक वर्टिकल लिफ्ट देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ई स्क्वायर आ जाएगा 1/9 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4, तो 4a² / 9। यहाँ से अपन ए स्क्वायर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 8/9, 9 कट गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया, बी आ गया और ई आ गया। एलिप्स की इक्वेशन लिख दी, सेंटर आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, दैट विल बी 0.5। तो जो एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी बेटा वो एक वर्टिकल लिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? वर्टिकल लिप्स। तो आई गेट वैल्यू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9/4 शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा लोकस आ गया। इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 9x² में, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ध्यान रखना, मैं आंसर सीधे बता रहा हूँ आपको। 9x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ओपन करने के बाद 9x² प्लस 8y² प्लस 8y² माइनस का 8x माइनस 8x नहीं 8y आएगा 8y माइनस 16 इज इक्वल्स 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 9x² प्लस 8y² माइनस 8y माइनस 16। 9x² प्लस 8y 9x² प्लस 9x² प्लस 8y² 9x² प्लस 8y² माइनस 8y माइनस 16। तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी।
तो भाई देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको कोनिक सेक्शन अच्छे से आता है तो कई बार इलिप्स इलिप्स की इक्वेशन को इस तरीके से इंटरप्रेट कराता है। मैंने क्या किया, वर्टिकल इलिप्स ऑब्जर्व करके कंडीशन लगा दी इलिप्स की, दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, ई निकल आया, ई और बी पता था तो ए निकाल लिया, इलिप्स की इक्वेशन लिख करके वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट स्टडिंग इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिनमें हम स्टेट लाइन की बात करते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? पहला जनरल फॉर्म होता है लाइन का, होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दूसरा लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तीसरा पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चौथा टू पॉइंट फॉर्म होता है अपने पास वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये जो वैल्यू है यही स्लोप का फॉर्मूला होता है, पता ही होगा। ठीक है, पांचवा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, वेयर पी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जो अल्फा होता है वो जीरो से टू पाई के बीच में होता है। ठीक है, छठा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सातवा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर। तो ऐसे बहुत, ये जो छः सात फॉर्म होते हैं ये सारे सातों फॉर्म पे अपन अब क्वेश्चन पे बात करना शुरू करेंगे। फिर से रिपीट करो, जनरल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं पैरामेट्रिकली तो कैसे लिखते हैं अपन, एक्स वन, यहाँ पे प्लस माइनस आता है ध्यान रखना, ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है, तो एक्स वन प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा वाई वन प्लस माइनस आर साइन थीटा। प्लस साइन है तो साइन जो पॉइंट होगा हमेशा ऊपर की तरफ कंसीडर किया जाता है, करेक्ट है, और माइनस साइन होगा तो हमेशा नीचे की तरफ कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द स्लोप माइनस वन एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ फोर यूनिट्स ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, स्लोप माइनस वन है, स्लोप माइनस वन था तो ऐसी लाइन खींच रही होगी और इंटरसेप्ट काट रहा है ऑन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में काटेगा तो माइनस फोर यहाँ पे आ गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो लाइन की क्वेश्चन होगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का फोर, सीधे सीधे स्लोप आ गया माइनस वन और इंटरसेप्ट माइनस फोर, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस फोर, यानी एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, योर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेन्स 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं, अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट द इक्वेशन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, देन द ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट 1 1 देन। तो देखो क्या क्या गिवन है बेटा, ठीक है, एक लाइन L1 गिवन है, एक लाइन L2 गिवन है, डेफिनेटली कहीं पे कट कर रहे होंगे, एक इसके अल्टीट्यूड मतलब ड्रॉप किया मैंने, एक इस पे अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ये दोनों अल्टीट्यूड पास कहाँ से करें, 1,1 से, क्योंकि 1,1 किसका काम कर रहा है उसका, ऑर्थो सेंटर का, ये वर्टेक्स B हो गया, ये वर्टेक्स C हो गया। तो अगर मेरा बी और सी आ जाएगा तो हम साइड बी सी की इक्वेशन निकाल देंगे, अगर मेरा बी और सी आ जाएगा तो हम साइड बी सी की इक्वेशन निकाल देंगे। और बी और सी को निकालने के लिए हम क्या करें, L1 तो पता था, हम एक लाइन ही निकालना चाहते हैं बी एम, कौन सी लेट अस इसको एम लिख देता तो बी एम, और इसको लिखता है एन लिख देता हूँ। तो अगर मैं बी एम की इक्वेशन आपको दे दूँ और L1 पता है तो L1 और बी एम को सॉल्व कर लोगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी एम की इक्वेशन लिखनी चाहिए, लाइन बी एम। अब देखो जरा ध्यान से, लाइन बी एम जो है बेटा वो ए सी के परपेंडिकुलर और 1 1 से पास करी है, तो लाइन बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी पास से 1 1 पास से 1 1। ए सी की इक्वेशन मतलब L2 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, उम्मीद करूंगा इतना आता होगा। ठीक है, किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो जो BM की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 5x माइनस का 4y इक्वल टू लैम्डा, पास कहाँ से करी 1 1 से, सेटिस्फाई करा दिया तो 5 माइनस 1 1, यानी जो BM आ गया बेसिकली वो आ गया 5x माइनस का 4y इक्वल टू 1।
ठीक है, बी एम पता है और हमें बी एम आ चुका है। अब हम एल वन निकाल लें, तो एल वन क्या है, एल वन अपने पास है 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू माइनस सिक्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही काम करूँगा मैं किसके साथ, लाइन सी एन के साथ, सी एन के साथ। सी एन क्या है, सी एन परपेंडिकुलर है किसके है, ए बी के, और कहाँ से पास कर रही है, वन वन से ये भी पास करिए, कहाँ से पास करिए, वन वन से पास करिए। तो लाइन सी एन की जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, सी एन की इक्वेशन निकालनी सी एन, तो सी एन की इक्वेशन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर 3x माइनस 2y प्लस 6, तो बन जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू। पास कहाँ से कर रहा है, वन वन से, सेटिस्फाई करो तो 2 माइनस 3, यानी जो सी एन की इक्वेशन आ गई वो आ गई 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1। एल टू पता है अपने को, एल टू कितना है, एल टू है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। इन दोनों को सॉल्व करोगे सी आ जाएगा, बी आ गया, सी आ गया, तो लाइन बी सी के हमने इक्वेशन लिख दी। आया समझ में, क्या किया, बी आ गया, सी आ गया, बी और सी की कोऑर्डिनेट लिख लो फटाफट, माइनस 13.33/2 माइनस 13.33/2 माइनस 13.33/2 और जो सी के कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा दैट इज कम आउट टू बी 35/2, -10 35/2, -10। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, मैंने फिर बोला अगेन, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होती है प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, अगर पेपर में आते हैं, कोई और तरीका नहीं होता, कोई शॉर्टकट अप्रोच नहीं होती है। तो आपने बी निकाला, आपने सी निकाला, अब आप दोनों की इक्वेशन लिखेंगे तो आप फॉर्मूला लगाओगे वाई माइनस वाई वन 33/2 इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस 10 माइनस वाई वन 33/2 अपॉन एक्स टू दैट इज 35/2 माइनस एक्स वन दैट इज प्लस का माइनस का 13 शुड बी इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना आएगा माइनस का 13। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी सी की इक्वेशन आ जाएगी फाइनल, करेक्ट है, और बी सी की इक्वेशन आती है माइनस का 26x प्लस का 122y प्लस का 1675 इज इक्वल टू 0। माइनस का 26x प्लस 122y प्लस का 1675 इज इक्वल टू 0, तो करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा माइनस का 26x प्लस का 122y, ठीक है, तो योर आंसर शुड बी ए, आंसर ए, आंसर ए। अब सोच रहे होगे सर आपने क्या कर रखा, बेटा ये मेंस का क्वेश्चन है लेकिन मैंने आपको जानबूझ के कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने के लिए बोला है, करके स्टेप दे दिए मैंने, कैलकुलेशन आप घर पे करिएगा। जब आप करेंगे तो आपको खुद एक चीज़ एनालाइज करना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ और एनालाइज करते चले अब आप लोग, क्योंकि आप थोड़े से बड़े हो गए। हर क्वेश्चन को जब भी आप स्टार्ट करें प्लीज़ अपना टाइम ज़रूर मेंशन करें कि कितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को वर्कआउट करा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो स्पेशली मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन होना और क्वेश्चन जल्दी होना, क्वेश्चन होना सही और क्वेश्चन जल्दी होना सही, करेक्ट है। तो पहली वाली लाइन ना छोड़कर दूसरे वाले पे फोकस करना है, तो जल्दी सही होना ही हमारी प्रायोरिटी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि याद रखना मैथ्स के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा टाइम जाता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाता है पेपर के अंदर। तो उस पार्ट में अगर आपने टाइम सेव करना स्टार्ट कर लिया, अपने को आ गया कैसे टाइम सेव करना है, अपने बहुत एडवांटेज होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन द लाइन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30° विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या कह रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन, एट डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक लाइन बतानी जो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30°, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30°, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन का भी बहुत मेंशन होता है ध्यान रखना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल रखा उसने, ठीक है। तो ये फोटो बन के आ गई, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको फोटो देख करके किसकी याद आनी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन की, किसकी याद आनी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। जब नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की याद आएगी, जब नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन की याद आएगी तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है, फॉर्मूला x cos अल्फा, तो x इंटू कॉस अल्फा मतलब cos 30° प्लस का y sin अल्फा, y इंटू sin 30° शुड बी इक्वल टू p, p मतलब 3। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना तो यू विल गेट द वैल्यू x प्लस सॉरी x रूट 3
प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इज द करेक्ट आंसर, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन मुझे क्यों अच्छा लगा बेटा, उसका सबसे बड़ा रीजन बताऊं, जब आप ऐसे पढ़ोगे ना, द फाइंड द इक्वेशन द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री फ्रॉम द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल दिस थिंग, तो जब हम ये लोग सब ये चीजें पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमारा थोड़ा सा डर होता है, पेपर टाइम में एक डर भी होता है, बिल्कुल होता है, सबको जस्टिफाइड है, प्रॉपर रीजन है, उस डर को भगाने के लिए हमें थोड़े से हैवी क्वेश्चन पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए, कि पढ़ें तो हमें लगे भारी भारी चीजें लिखी हुई हैं, उन भारी भारी चीजों को हैंडल करना हमें आना चाहिए। क्लियर है मेरे नवाबों, समझ में आ रहा है? लाइक एंड शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जो इश्यूज लगे उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कई बच्चों की कमेंट आ रहा है सर एडवांस के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा, अभी आप बिल्कुल ना परेशान हो एडवांस को लेकर के, आप सिर्फ फोकस करें अपना मेंस पे, फरवरी वाले पे, फरवरी वाले मेंस को बहुत ही अच्छे टारगेट के साथ आप निकालने की पूरी कोशिश करिए, मतलब अपना 200% दे दीजिए कि हम जो करेंगे बिल्कुल अच्छा करेंगे, फरवरी अटेम्प्ट बहुत तोड़ करके फोड़ करके आएंगे, फरवरी अटेम्प्ट में अच्छे से फोड़ करके आने के बाद आपके पास बहुत आराम से पूरा मार्च अप्रैल मई और लगभग आधा जून मिलेगा आपको, क्या एक्सक्लूसिव एडवांस की तैयारी करने के लिए, हम बहुत ही जल्दी एडवांस का भी कोई ना कोई क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, उस समय आप उसको वर्कआउट करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस थिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 इंच फ्रॉम पी, ठीक है, क्या कहा उसने बोला है, एक लाइन थी, ठीक है, एक पॉइंट था 2,3, उसने बोला है कि स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप बताओ जो यहाँ से पास करे, और एक लाइन L1 को, L1 की इक्वेशन दे रखी है उसने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, P पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, फिर से देखना ध्यान से, एक लाइन L1 गिवन है और एक लाइन L हमें चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए हमें, जो P से पास कर रही है और इसको कट कर रही है, कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है, 4 डिस्टेंस पे कट कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, डिस्टेंस का तो दो लाइनें हैं बेटा, एक ऐसे हो सकती है, एक ऐसे जाके कट करेगी, जिस पॉइंट से पास करी उससे उस लाइन का डिस्टेंस कितना है 4 डिस्टेंस बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला है, हम क्या करते हैं उसको समझेंगे, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि हमने अज्यूम किया लेट स्लोप ऑफ द लाइन एल इज 10 थीटा, अब अगर स्लोप ऑफ द लाइन 10 थीटा था तो इस पॉइंट को अगर मैं आर लिखूंगा तो पी पॉइंट से 4 डिस्टेंस थीटा एंगल पे ऊपर आ रहा हूं, तो मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं आर के, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ आर, करेक्ट है, पी से 4 डिस्टेंस ऊपर जाना चाहता हूं एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा 2 + 4 cos θ, फंडा सीखते जाना, ध्यान से समझते जाना, अगर पैरामेट्रिक नहीं आता, बहुत ही शानदार मुझे लगता है पैरामेट्रिकली, क्यों लगता है उसका रीजन यही है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि पी पॉइंट ऊपर है कि नीचे है, तो आप इसको चेक कर सकते हो पोजिशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो आपको दिखेगा एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू 7 के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट 2,3 उसके नीचे ही बैठेगा, बना के देखना चाहो तो बना के दिखा सकता हूँ, ऐसा मान लो ये लाइन थी, तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, ये 0,7 है, ये 7,0 है, तभी इस लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 होगी, और हमें कितना पॉइंट चाहिए था 2 और 1, 2, 3, ये देखो ये पॉइंट बैठा हुआ है P2,3, तो जो लाइन जा रही होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी यूँ, और इससे कितने डिस्टेंस पे 4 डिस्टेंस पे, और ये वो एंगल है थीटा जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली थीटा लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक, तो मैंने क्या किया पी पॉइंट से 4 डिस्टेंस ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट लिया, अब थीटा कहाँ से निकलेगा, तो ये जो आर पॉइंट है इस लाइन L1 पे बैठा होगा, तो आर लाइज ऑन L1, तो सेटिस्फाई करा दो L1 पे, हाँ भाई, तो क्या करो आर पॉइंट को L1 पे सेटिस्फाई करा दो, तो आर पॉइंट को L1 पे सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो 2 + 4 cos θ + 3 + 4 sin θ शुड बी इक्वल्स टू 7, ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो cos θ + sin θ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 × 3 = 5 2/4 / 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो sin θ + cos θ हाफ आ गया, यहाँ से हमें क्या निकालना है बताना, क्या था हमें स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब हमें 10θ निकालना है, sin θ + cos θ बताओ हमको, 10θ पूछ रहा है, 10θ बताओ कितना आएगा, तो sin θ + cos θ से 10θ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लेना यहाँ पे, तो बन जाएगा 1 + sin 2θ = 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा sin 2 थीटा
इज इक्वल्स टू माइनस का 3/4। साइन टू थीटा में अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से ये आए थे अब ये जा रहे हैं, तो बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 3/4। यहाँ से tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो बन जाएगी कितनी बनेगी 3 tan square theta प्लस 8 tan theta प्लस 3 is equal to 0। यहाँ से tan थीटा निकाल देंगे तो tan थीटा क्या जाएगा, माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64 माइनस 3 3 का 9 6 36 बाई 3 6। तो tan थीटा एक्चुअली में निकल के आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 64 माइनस 36, तो 14 में 6 8 आ जाएगा। एक काम करो, इसको भी अभी 8 ही रहने दो, बाद में चेंज करते हैं, नीचे 6 ले लो, और यहाँ बचेगा 5 में 3 2 28 आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट 7/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा की दो पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट 7 माइनस 4/3 और एक tan थीटा दिख रहा है माइनस 4 माइनस रूट 7/3। ठीक है, अब अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हो उस ऑप्शन को चेक करना है, 1 minus root 7 upon 1 plus root 7 root 5 minus 1 upon root 5 plus 1 1 minus root 5 1 plus root 5 root 7 minus 1 upon root 7 plus 1। तो अपने क्या करना है, इसको रैशनाइज करना है बेटा, ध्यान से देख लेना, इसको रैशनाइज कर लेना और रैशनाइज करके जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ से अगर अपन इसको रैशनाइज करेंगे तो जो सिर्फ एक आंसर सेटिस्फाई करा वो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये मैंने tan थीटा निकाल के दे दिया, अब इन दोनों में कोई एक आंसर जो भी हो इसको रैशनाइज कर लेना। क्या कर लेना, रैशनाइज कर लेना, और जब आप रैशनाइज करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंगली जो करेक्ट आंसर सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन ए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस टू द लाइन दिस। क्या कह रहा है वो समझ लेना, दो लाइनें दे रखी है, एक इज इक्वल टू वाई दे रखी और एक इज इक्वल टू 2y दे रखी है, मतलब y इक्वल टू x/2 है। तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू x लाइन ये है और y इक्वल टू x लाइन ये है। तो उसने बोला है फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस थिंग परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दिस थिंग द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। तो ये जो a है कोई पॉइंट इस पे, ये जो b था कोई पॉइंट इस पे, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना h कॉमा k। तो मुझे क्या चाहिए था, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट था अल्फा कॉमा अल्फा, तो ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा कितना आ जाएगा 2h-α, 2k-α, क्योंकि मिड पॉइंट की बात करो ये इस पे लाई करेगा, तो लाई करेगा तो 2 times of 2k-α = 2h-α। अननोन क्या है, अल्फा। अभी तक मैंने कोई कंडीशन लगा, अपने सिर्फ मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दी कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो m पता था, b पता था, a निकाल दिया m और b के टर्म्स में, उसको उठा करके इस लाइन पे सेटिस्फाई करके एक रिलेशन निकाल दिया। दूसरा रिलेशन कहाँ से लाएंगे, दूसरा रिलेशन हम लाएंगे स्लोप से, कि जो इस लाइन का स्लोप होगा और वो माइनस 1 के बराबर होगी, इसका स्लोप प्लस 1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ ए एम दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1, स्लोप ऑफ ए एम कितना हो जाएगा 2k-α - k डिवाइडेड बाई 2h-α - h विच इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, यहाँ से k-α = α - h, तो 2α = k + h, इसको इसमें पुट कर दो तो 2α। ठीक है, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर 4k - 2α k - h is equals to 2h - α k - k + h/2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3k - h is equals to 4h - k - h/2, 6k - 2h is equals to 3h - k, 7k = 5h,
जनरलाइज कर देंगे तो 7y = 5x, तो जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 7y = 5x। क्या पूछा उसने, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस निकालना था, तो लोकस आया 7y = 5x, 7y = 5x, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज आंसर सी। ठीक है बच्चों, किस तरीके से कैलकुलेट, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैलकुलेशन को, तमीज से समझना किस तरीके से किया गया, मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज किया और स्लो फॉर्मूला यूज किया, मिड पॉइंट कंसेप्ट यूज किया और स्लो फॉर्मूला यूज किया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे बेटा, ठीक है। Let C be the centroid of the triangle with the vertices these three. Let P be the point of intersection of the line this and this. तो P जो point है वो इन दोनों लाइन का point of intersection है और C जो है वो इन तीनों का, इन triangle का centroid है। तो फिर पूछा गया इसने, then the line passing through the point C and P also passes. ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो हमें बेसिकली C चाहिए और P चाहिए। तो C क्या है, C है centroid, क्या है सेंट्रॉइड, तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3 + 1 + 2/3 कॉमा -1 + 3 + 4/3, तो 3 × 2 = 5 और 1 = 6/3, 6/3 मतलब 2 आ गया, 4 × 3 = 7 = 6/3 2 आ गया, तो सी के कोऑर्डिनेट तो आ गया 2, 2। अब बात आती है पी कैसे निकालें, तो पी निकालना है, पी क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x + 3y - 1 = 0 एंड 3x - y + 1 = 0। तो क्या करा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, 9 = 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा, 3 और 1 2 आ जाएगा, प्लस का 2 = 0 आ जाएगा, यानी x = आ जाएगा -1/5। सिमिलरली y निकाल देंगे, तो 3x लिखेंगे -3 लिखेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10y आ जाएगा, -3 लिखा था ना, -4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा सिर्फ, 10y = 4, तो 2/5, तो ये आ गया आपके पास P के कोऑर्डिनेट, कितना आ गया -1/5, 2/5, ठीक है -1/5, 2/5। तो अपने पास C आ चुका है बेटा और अपने पास P आ चुका है। अब अपने पास अगर C और P पता है तो हमें क्या निकालना है, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी जो CP से पास करे, तो लाइन CP की इक्वेशन, तो लाइन CP की इक्वेशन क्या बनेगी, y - 2 = y2 (2/5 - 2)/(-1/5 - 2)(x - 2). तो यहाँ से लाइन सी पी की इक्वेशन आ गई, क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो, किस तरीके से हम फटाफट क्यों कर रहे हैं, उसका लॉजिक के पीछे चलना, क्यों फटाफट कर रहे हैं, इसलिए फटाफट करा जा रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। आइए, मैं आपको जो यहाँ पे क्रैश कोर्स में सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ, हाउ टू हैंडल वेरी फास्ट योर पेपर, एग्जामिनेशन पेपर को आप फटाफट कैसे हैंडल करें उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2, 5 × 10 में से 2 होगा -8 और ये आ जाएगा -1, 5 × 10 और 1 - 11, ठीक है, तो ये -1 तो कट गया, ये आ गया x - 2। अल्टीमेटली जो आपके पास लाइन सीपी की इक्वेशन आ गई, दैट विल बी कम आउट टू बी 11y - 8x, 22 उधर जाएगा और 16 उधर आएगा, तो 22 - 16 = 6, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन आ गई 11y - 8x = 6। अब आपके पास क्या दिया गया, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट है, आपको इसमें से चेक करना कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैल्यू पुट करके आप चेक करेंगे, चेक करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा आएगा -9, -6। देखिए मैंने फिर आपसे बोला, जब भी ऑप्शन चेक करने का क्वेश्चन आएगा, जब भी ऑप्शन चेक करने का क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड, पीछे से वर्कआउट करना स्टार्ट करें, हमेशा आपके लिए बेनिफिटेड रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टीचर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होता है वो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे फ्रेम कर रहा होता है कि आपको ऑप्शन चेक करना है। अब अगर उसको पता है कि आपको ऑप्शन चेक करना उसने फ्रेम कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये देखना होगा कि मैं ए चेक करूं, बी चेक करूं, सी चेक करूं, डी चेक करूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रिवर्स ऑर्डर में अगर चलूंगा तो थोड़ा शायद प्रिकॉशनरी जल्दी कर ले जाऊं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो आपसे, नेक्स्ट कह रहा है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला सबको पता है, tan θ = m1 - m2/1 m1m2। ये मैंने कुछ पॉइंट बता दिए, ठीक है, लाइन्स की इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और तीन लाइन अगर दे रखी है उनको इंटीरियर एंगल्स पता है हमें, तो हम स्लोप्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हैं तो हम टेन थीटा को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ये एडवांस के लाएगा, बट ठीक है मैं आपको बता दे रहा हूँ
एक्सप्लेन अभी नहीं करना इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द लाइन दिस थिंग। एक लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए और ओरिजिन से पास करे। आई रिपीट, एक लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए और ओरिजिन से पास करे, तो कौन सी लाइन होगी वो बतानी है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप अपन ने लिखा, मान लीजिए m1 मान लेता हूँ, तो m1 लाइन का स्लोप कितना आ गया, माइनस का 1/√3। m मान लिया दूसरी लाइन का स्लोप जिसकी हमको निकालना, तो m ऑफ l को m मान लिया और tan थीटा लगा दिया, दैट विल बी इक्वल टू m प्लस का 1/√3 m माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 माइनस m/√3, √3 कट गया, ठीक है। tan 60 1/√3 आ जाएगा यहाँ से, तो सिंप्लीफाई 1060√3 आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस माइनस √3 लिखूंगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास m√3 प्लस 1/√3 माइनस m। एक बार प्लस साइन के साथ खोल दूंगा और एक बार माइनस साइन के साथ खोल दूंगा। जब मैं प्लस साइन के साथ खोल रहा हूँ, तो अपने पास आएगा 3 - √3m इज इक्वल्स टू m√3 प्लस 1, तो m√3 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो m इज इक्वल्स टू 1/√3 आ गया, ठीक है। फिर मैं माइनस साइन के साथ खोल रहा हूँ, तो -√3 प्लस m√3 इज इक्वल्स टू m√3 प्लस 1, क्लियर है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हम ये लोग बोल देते हैं यहाँ से इसको इसको काट देते हैं, ऐसा होता नहीं बेटा। ये वाला टर्म इससे कटेगा नहीं, ये m√3 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ये इससे कटता नहीं है, इससे कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता है उसका लॉजिक बताइए। उसका लॉजिक ये होता है बेटा, क्योंकि m एक स्लोप होता है, और m अगर एक स्लोप होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो m की वैल्यू वो इन्फिनेटिव हो सकती है, यानी यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में कुछ भी घटाओगे इनफाइनाइट आएगा। तो एक तरफ से तो स्लोप इन्फिनेटिव आता है, और एक तरफ से स्लोप तो 1/√3 होता है, एक तरफ से स्लोप इनफाइनाइट आता है। अब उसने बोला लाइन की इक्वेशन जो पास कहाँ से कर रही, थ्रू ओरिजिन विद दीज टू स्लोप। तो दो लाइनें अपन बनेंगे, पहली मैं L1 बना रहा हूँ, फर्स्ट लाइन जब स्लोप क्या है, तो y-0, स्लोप कितना निकाला अपन ने, 1/√3 × x-0, ठीक है। और एक ऑप्शन आएगा इसका, y-0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स x-0, तो इनफाइनाइट से डिवाइड कर देंगे तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x = 0, और यहाँ से लाइन की इक्वेशन हो जाएगी √3y - x = 0, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंगली जो आंसर आएंगे उन आंसर को चेक करते हैं अपन, ऑप्शन आएंगे x0, y0, x = x + y = 0, और करेक्ट आंसर होगा x = 0, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन आया वो ऑप्शन ही आया। फंडा समझ में आ गया, स्लोप फॉर्मूला लगा करके दो स्लोप निकलते हैं, ये वाला फंडा ध्यान रखना, काट मत देना कि एब्सर्ड क्वेश्चन है, एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे इन्फिनेटिव आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि स्लोप इन्फिनेटिव हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल होती है बेटा, तो आपको पता है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन नहीं, तो स्लोप बराबर लिख करके सिर्फ कॉन्स्टेंट में फर्क डालते हैं, ठीक है। अगर लाइन ax + by + c = 0 है एंड a′x + b′y are parallel है, तो उनके जो स्लोप्स होते हैं a/a′ = b/b′ ≠ c/c′, बेसिक फंडा। और अगर ax + by + c है, तो इसको उस टाइप में लिखना है, तो हम ax + by + k लिख देते, तो k निकालने के लिए कोई ना कोई वो डाटा आपको देगा, तो ये पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी। दो लाइन की बीच, पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, c1 - c2 √a² + b², ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं इसी से पहले मैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसी लाइन पे किसी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, ये पॉइंट पी अपने पास x α β, और ये लाइन अपने पास ही मान लें ax + by + c = 0 बेटा। तो इससे जो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है बेटा, वो d = क्या आता है, वो d आता है a α + b β + c अपॉन √a² + b², ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, c1 - c2 √a² + b². एक पैरेललोग्राम के एरिया अगर हमको एल्टीट्यूड्स के टर्म्स में पता है, p1 p2 आर द डिस्टेंसेस बिटवीन द टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये अगर अपने पास पैरेललोग्राम था ऐसे, ठीक है, इनके बीच का एंगल ये थीटा था, ये लेंथ p1 थी, ये लेंथ p2 थी, तो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है p1 p2 cosec थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, p1 p2 cosec थीटा।
और अगर चारों लाइनें पता है पैलोग्राम की, चारों लाइनें अगर हमें पता है दिस 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 एंड दिस, तो फॉर्मूला जो होता है वो सी वन माइनस सी टू इंटू डी वन माइनस डी टू अपॉन एम वन माइनस एम टू होता है। कई बार इनका यूज़ पड़ जाता है, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा होगा एरिया, मैंने बहुत जगहों पे फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ किया, तो हो सकता है आपको इस तरीके से एरिया में फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। लाइन्स आर ड्रॉन, लाइन्स आर ड्रॉन, ठीक है, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5 फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन एनी ऑफ दीज लाइन्स। ठीक है, तो उसने बोला एक लाइन दे रखी है, लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू दिस लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 3/5 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन अगर ये था तो इसके पैरेलल एक लाइन ये भी हो सकती है, इसके पैरेलल एक लाइन ये भी हो सकती है, कितने डिस्टेंस पे, 3/5 डिस्टेंस पे। फंडा समझ में आया कि नहीं है, क्या कहा उसने, उसने बोल रखा है एक लाइन दे रखी है L1 ओरिजिन से, ठीक है लाइन दे रखी है और ओरिजिन से, लाइन दे रखी है और ओरिजिन से, ये ओरिजिन अपना और ये डिस्टेंस है 3/5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/5 या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3/5, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपन क्या करते हैं, हम इसको L मान लेते हैं, तो L पैरेलल टू L1, तो दिस इंप्लाइज जो L की इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी, इस लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो फंडा क्या होता है, x और y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, सिर्फ कॉन्स्टेंट में फर्क आएगा, और अगर परपेंडिकुलर की बात करता है तो x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और बीच का साइन बदल देते हैं, और कॉन्स्टेंट तो चेंज होता ही होता है, ठीक है, प्लस का c इक्वल्स टू 0। अब उसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ L फ्रॉम O, O से जो डिस्टेंस है वो 3/5 है, तो अगर हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे 3/5 शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, तो अल्टीमेटली 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो c इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यानी वी गेट द टू ऑप्शंस। लाइन से दो दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आएगा 4x, आने भी दो वो मैंने आपको बता ही दिया था, एक तो ऑप्शन ये आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा 4x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में, 4x माइनस का 3y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये दो ऑप्शन अपने पास निकल करके आए, इन दो ऑप्शन में कौन सा, ये दो आंसर्स निकल के आए, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आप चेक करेंगे, चेक करने वाला काम आपका है, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, करेक्ट आंसर आता है ए, करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई इन। अब एक लाइन दे रखी है, ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, अप्रोच सीखना कैसे इसको वर्कआउट किया जा रहा है, लाइन को फटाफट ड्रॉ कर दो। तो जब मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है ये लाइन। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है ठीक है, अब पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे एक पॉइंट बताना जो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से भी इक्वल हो वाई एक्सिस से भी इक्वल हो, तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो कोई भी पॉइंट अगर इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो या तो वाई इक्वल्स टू एक्स पे लाई करेगा, या तो वाई इक्वल्स टू एक्स पे लाई करेगा, या फिर वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स पे लाई करेगा, तभी इक्विडिस्टेंस हो सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो दो ही पॉइंट ऐसे आएंगे जो ब्लू वाली लाइन पे होंगे और वाई इक्वल्स टू एक्स पे होंगे, तो इक्विडिस्टेंस पे होंगे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस का फंडा समझ लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों बराबर, इसमें ये और ये बराबर, ठीक। तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली, तो करेक्ट आंसर आ गया आंसर बी। देखिए क्या हुआ, ये हुआ किस तरीके से क्वेश्चन में कैसे वर्किंग करी गई, किस तरीके से क्वेश्चन में कैसे वर्किंग करी गई बिना कुछ सॉल्व करे, हमने सिर्फ किसको ऑब्जर्व किया, स्लोप को ऑब्जर्व किया लाइन के, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप ने पॉइंट ऑर्डिनाइजेशन सेकंड क्वाड्रेंट में दिया, फर्स्ट तो आना ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट द पॉइंट्स एच के 1, 2 एंड -3, 4 लाई ऑन द लाइन L1, ठीक है, इफ अ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के एंड 4, 3 इज परपेंडिकुलर टू L1 देन k / h इक्वल्स टू, ठीक है। तो तीन पॉइंट दे रखे हैं, एक 1, 2 दे रखा है, एक एच के दे रखा है और एक -3, 4 दे रखा है। मैं रैंडम ऐसे फोटो बना देता हूँ, ये लाई कर रहे हैं L1 पे। इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट एच के, एच के से पास करिए एंड 4, 3 से इज परपेंडिकुलर टू L1, दूसरी लाइन एक है L2
जो एच के से पास कर रही है, 4.3 से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो उसने बोला के बाई एच बता दो। तो ठीक है, L1 की क्वेश्चन तो निकल आएगी, L1 के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकाल लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एच के आ जाएगा। तो L1 की क्वेश्चन लिख दो पहले, तो इन दोनों से पास करने लाइन की क्वेश्चन, y-4 = 2-4 1+3 × x+3, तो 4y-16 - 2x - 6, ठीक है। तो लाइन L1 आ गया, 4y + 2x = 10, यानी अल्टीमेटली लाइन L1 की इक्वेशन आ गई x + 2y = 5। जो L2 हो जाएगी वो इसके परपेंडिकुलर है, तो 2x - y = λ। फटाफट देखो, लाइन L1 निकाल दी, L2 इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, तो 8 - 3 = 5, 4 × 8 - 3 = 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच और के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 5x = 15, 5x = 15, x = 3 आ गया, और h को 3 रख दोगे तो k1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा k/h का 1/3, तो k/h = 1/3, ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा होगा सर फटाफट करते जा रहे हैं, सर फटाफट नहीं करते जा रहे, सर आपको वो कंसेप्ट बता रहे हैं कि पेपर में हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस गणित को लेकर के क्या होना चाहिए। मैं बार बार आपको ये बात फोकस करा रहा हूँ, प्लीज़ इसको एम्फेसाइज करिए कि बहुत हल्के तरीके से पढ़ करके कोई भी बहुत बड़ा अचीवमेंट आप नहीं ले पाएंगे, तो प्लीज़ रीड ऑल दिस थिंग वेरी केयरफुली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन की वो बात करता है कि एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर होगा, नीचे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो वो सब इसने अंग्रेजी में लिख रखा है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता दूंगा। दो पॉइंट अगर दे रखे होंगे तो हमेशा कंपेयर करने की कंडीशन क्या होती है, तो इस चीज़ को समझने के लिए ध्यान से देखना कि अगर जैसे एक लाइन दे रखी है अपने को, ठीक है, L1 है, इस पॉइंट को मैं P बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं Q बोल रहा हूँ, तो अगर L1 × P, L1P × L1Q ये पॉजिटिव आ जाए तो P एंड Q क्या होंगे, दिस इम्प्लाइज P एंड Q, और अगर L1P × L2Q निगेटिव आ जाए तो दिस इम्प्लाइज, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, देखो शायद इसने कुछ मेंशन भी करा होगा, A(x1+B(y)+C) इज ऑफ द सेम साइन एज ऑफ C, देन द पॉइंट दिस लाइन ऑन द ओरिजिन साइड एंड दिस, बट इफ द साइन ऑफ दिस अपोजिट टू दैट ऑफ C, देन द पॉइंट दिस लाइन ऑन द नॉन ओरिजिन साइन, मतलब जिस साइड ओरिजिन लाइक करे या नहीं लाइक करे, क्या फंडा है इसको समझो पहले तो, कि मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ठीक, मान लेते लाइन की क्वेश्चन x+y = 5, और मैंने एक पॉइंट लिया 1, 1, ठीक है, ये ओरिजिन, तो L1 ऑफ O क्या आएगा, इसको माइनस ले लो इस साइड, =0 लिख दो, तो L1 ऑफ O आ गया निगेटिव, तो L1 ऑफ 1, या इसको P लिख देता हूँ, तो L1 ऑफ P भी क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि सेम साइड है, तक के देख लो 1, 1, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तो P एंड Q सेम साइड, ऐसे समझ लो, एंड P एंड Q अपोजिट साइड, अगर L1P × L1Q > 0 है तो P एंड Q आर द सेम साइड, अगर L1P और L1Q > 0 है तो P एंड Q आर ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, प्रूफ इसका आता है, सेक्शन फॉर्मूले से नीड नहीं, इसे पर नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जो इन द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन दिस थिंग, ठीक है, एक्सटर्नली इंटरनली कैसे डिवाइड करा, तो ये फंडा हो गया, एक पॉइंट दे रखा है A, 1, 2, एक पॉइंट दे रखा है अभी मैंने मान लिया कि अपोजिट थे, ठीक है, ये -3, 4 है, इसको एक पॉइंट एम डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:k, अगर k पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, बोले मेंशन कर रखा उसने, ठीक है, अगर k निगेटिव आ गया तो एक्सटर्नली रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो बस चुपचाप कुछ नहीं करना, एम निकाल दो, लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, एम निकालो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, तो यू विल गेट द वैल्यू k -3 / k+1, 2k - 4 + 4 / k+1, अब m लाई करता है ऑन लाइन, लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, तो k -3 + 2k + 4 = 5k + 5,
अभी नहीं कि बैठ करके इसको रख रहे हो फिर सिंप्लीफाई कर रहे हो, फटाफट करते जाओ सिंप्लीफिकेशन भी। तो आपको दिख रहा था नीचे के प्लस वन आएगा, तो के प्लस वन को फाइव के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर लेकर के चला गया, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, थ्री के प्लस वन इज इक्वल्स टू फाइव के प्लस फाइव, तो टू के इज इक्वल्स टू फोर के इज इक्वल्स टू टू आ गया। अब जो मैंने अजम्पशन ले रखा था उसके हिसाब से के टू आया, के टू आया मतलब के पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, के पॉजिटिव आया। अगर के पॉजिटिव आया तो डिवीजन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल होगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर बी। आया समझ में? तो ये है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन का कांसेप्ट। आंसर गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, तो दोबारा करते हैं अपन। अगला भाई देखें, तो यहाँ से आएगा 5k माइनस 3k मतलब 2k इक्वल्स टू माइनस 4, k इक्वल्स टू बेटा माइनस 2 आता है। ओके, मैंने आंसर चेक किया ना, तो आंसर देखा तो मैंने आंसर नहीं मैच करा था, तो मैंने k इक्वल्स टू माइनस 2 को ऑब्जर्व किया। k इक्वल्स टू मतलब सिंप्लीफिकेशन में कहीं गलती करी थी, तो यहाँ से अपन ने के इक्वल्स टू माइनस 2 आया। के माइनस 2 आने का मतलब मैंने अजम्पशन जो ले रखा था उसके हिसाब से के प्लस 2 आता, बट के माइनस 2 मतलब के उस तरफ होगा, यानी डिवीजन इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, ऑब्वियसली बात एक्सटर्नल होगा। किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:2 एक्सटर्नली, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस मे वाले कोर्स का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की अभी अपन ने बात कर ली, किसी लाइन पे किसी पॉइंट से ड्रॉप किया गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डी होता है और डी इसके बराबर होता है, फॉर्मूला लिखाई दिया मैंने आपको। इफ द टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर थी, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर थी तो उनका डिस्टेंस बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, कहाँ से, ओरिजिन से। तो दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर थी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 × m2 क्या होना चाहिए, -1। तो पहली वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बेटा, पहली वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा 1/(1 - a), दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा बेटा -2/(a²) विच इज इक्वल टू -1। तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, a² × (a-1) इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो a³ - a² + 2 = 0। चेक कर लेना, मिस्टेक ना हुई कैलकुलेशन की, a³ - a² + 2 = 0। m1 × m2 = -1 लिया अपन ने, पहले वाले का स्लोप लिखा है, स्लोप कैसे लिखते हैं पता ना, y = mx + c से कंपेयर करके, तो x हो जाएगा -(a-1)/(1 - a). ठीक है, m2 लिखेंगे तो -2/(a²) = -1, तो -2 आ जाएगा, a² × a-1 आ जाएगा, aq - a² + 2 = 0। a = -1 इसका एक रूट होगा, तो a+1 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्वाड्रेटिक a² + a², तो -2a आ गया और +2 आ गया। ठीक है, सेकंड वाले के रूट से आएंगे, यानी यहाँ से अपने पास आ गया a = -1। अब उसने बोला है कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा कि मैंने a निकाला बेटा, फिर आगे बोला देन द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों लाइनों को लिखा, तो a को -1 रखेंगे, तो x - 2y = 1 पहली लाइन बनेगी, दूसरी लाइन बनेगी 2x + y = 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x = 3, तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, और 3/5 रख देंगे तो 1 - 2y = 3/5 - 1, तो -2/5 - 1/5। क्या पूछा उसने, इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेटर से दूं, मैंने r से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ r और o बताना है, तो बन जाएगा √3/5² + -1/5². ठीक है, तो 4 × 3 = 10, √10/5, तो अल्टीमेटली आ जाएगा √2/5। करेक्ट आंसर इज आंसर सी।
ठीक है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ध्यान देना कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फोकस करें इस चीज पे, ध्यान रखें कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। किसी लाइन के अबाउट किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, फंडा कि एक लाइन दे रखी होगी, एक पॉइंट दे रखा होगा पी, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इसका रिफ्लेक्शन एक तो पी डैश होता है, ठीक है, जिसको हम एक्स कॉमा वाई लिख देते हैं, और एक फुट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, एम बोलते हैं इसको, इसको मैं अल्फा और बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला हमारा अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा डाटा इसको चेंज कर देता हूँ, इरेज द लिंक, ठीक है, फिर से समझना इसको, क्या क्या दिया अपने को, एक लाइन गिवन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, एक पॉइंट गिवन है पी, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, उससे एक फुट ऑफ एटीट्यूड आएगा जिसको हम लिख रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा, और एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट आएगा जिसको मैं पी डैश बोल रहा हूँ, और वो हो जाएगा लेट अस अज्यूम एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है। तो दो फॉर्मूले अपने पास आते हैं, डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला याद रखना है आपको, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस टेन, सब ये फुट ऑफ एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बेसिकली ये हो गया अल्फा माइनस एक्स वन अपॉन ए बीटा माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इमेज ऑफ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब इस समय बात करी उसने एम पॉइंट के लिए, और ये फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ पी डैश के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन, तो बन जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स वन वाई डैश माइनस वाई वन अपॉन ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ दिस थिंग। याद रखना अगर फुट ऑफ एल्टीट्यूड है तो टू नहीं आता है, नीचे अंडर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ अगर आप लोग को याद हो तो, डिस्टेंस फॉर्मूला में बस नीचे का रूट नहीं लगेगा, ठीक है, तो अगर फुट ऑफ एल्टीट्यूड पूछा है तो माइनस टू नहीं आएगा, और अगर फुट ऑफ एल्टीट्यूड ने इमेज पूछेगा तो टू आएगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पर सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक आपसे, उसने बोला फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन दिस थिंग, तो ध्यान से देखना लाइन दे रखी है टू एक्स माइनस का थ्री वाई प्लस का फोर इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट दे रखा है माइनस वन कॉमा टू, इसकी इमेज निकालनी है अल्फा कॉमा बीटा मान करके, फॉर्मूला लगा रहा हूँ अल्फा माइनस माइनस वन बाई ए इज इक्वल्स टू बीटा माइनस टू बाई बी इज इक्वल्स टू माइनस का टू, माइनस का टू क्योंकि इमेज की बात कर रहा है, ठीक है, ए एक्स वन तो टू इंटू माइनस वन माइनस का थ्री इंटू वाई वन दैट इज टू प्लस का फोर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर प्लस का नाइन, ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो चाहो तो अल्फा प्लस वन बाई टू, फॉर्मूला जितने बेटा ये याद रखना यही सेम फॉर्मूला हम लोग थ्री डी में भी यूज करते हैं, इसलिए रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको थ्री डी में भी हेल्प मिलती है, ठीक है, यहाँ से वर्कआउट करेंगे तो नौ चार तेरह आ जाएगा, तो माइनस का टू टाइम्स ऑफ माइनस टू माइनस सिक्स प्लस फोर, ठीक है ना, तो माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर माइनस फोर बाई थर्टीन, ठीक है, तो बेसिकली कितना हो गया एट बाई थर्टीन, तो अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँगा तो अल्फा कितना आएगा टू, सिक्सटीन बाई थर्टीन माइनस वन तो थ्री बाई थर्टीन, बीटा की बात करूँगा तो बीटा माइनस टू बाई माइनस थ्री और ये है एट बाई थर्टीन, तो आर्थिक चौबीस माइनस को ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन प्लस टू टू माइनस ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन छब्बीस माइनस टू टू बाई थर्टीन, तो थ्री बाई थर्टीन कॉमा टू बाई थर्टीन इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, थ्री बाई थर्टीन कॉमा टू बाई थर्टीन इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करने की हैबिट डालना, अगर आपको ऐसे फॉर्मूले यूज करने हैं बेटा एडवांस के मेंस के अंदर, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर इतने सारे होने हैं तो किसी ना किसी पेपर में वो रिफ्लेक्शन इमेज कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्या ध्यान रखनी होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे कंसेप्ट के जो फॉर्मूले आते हैं, ऐसे कंसेप्ट के जो फॉर्मूले आते हैं इसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाई, फटाफट आंसर निकाला चेक कर लिए, आप चाहते तो खाली सिर्फ एक्स निकाल करके चेक कर सकते क्योंकि सारे ऑप्शन में एक्स के अलग अलग थे, तो आप सिर्फ एक निकाल लेते दूसरा अनंत निकालते तो भी आपका काम चल जाता क्योंकि सब में एक्स ऑप्शन अलग अलग लिखे हुए हैं इसने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट बात हो रही है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है, दो बाइसेक्टर्स की बात करता है, फॉर्मूला सबको याद होगा प्लस माइनस के साथ खुलता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दो लाइनें अगर अपने को दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश एक्स प्लस ए डैश एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो, दो लाइनें अगर गिवन है
तो उनकी जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होती है वो ये होती है। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर का फंडा वो समझ लेना। अगर दो लाइनें गिवन है L1 और L2 तो उसके दो बाइसेक्टर्स होंगे बेटा, उसके दो बाइसेक्टर होंगे, एक होगा B1 दूसरा होगा B2। दोनों बाइसेक्टर आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों बाइसेक्टर आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो प्लस माइनस का मतलब है कि हो सकता है एक बाइसेक्टर प्लस साइन के साथ खुला हो और एक बाइसेक्टर माइनस साइन के साथ खुला हो, ठीक है। फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है कि कैसे हम चेक करते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इक्वली इंक्लाइन विद द लाइन दिस एंड दिस आर दोज विच आर पैरेलल टू द बाइसेक्टर बिटवीन दीज लाइन टू लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। क्लियर है, कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। बताते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मैं सिर्फ एक ही फंडा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है वो उसको समझ लेना कि अगर ए ए डैश प्लस बी वी डैश प्लस सी का साइन नेगेटिव है देन जो प्लस साइन वाला है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्यूट एंगल, और अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा ए ए डैश प्लस बी वी डैश का साइन देन जो प्लस साइन वाला है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट है। और अगर ये जीरो हो जाता है तो दोनों बाइसेक्टर आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों लाइंस कैसी होती है आपस में? परपेंडिकुलर। तीसरा केस आता है कि अगर ए ए डैश प्लस बी बी डैश इज इक्वल टू जीरो है तो जो दो लाइनें दे रखी थी वो आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपने जिस हिसाब से याद कर रखा होगा प्लीज उसी को फॉलो करिएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट सिर्फ बता रहा हूँ, नो नीड टू आओ, यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। जिस तरीके से आपके नोट्स में आपके पास होंगे कृपया उसको वही रूल फॉलो करें, मेरा ये सजेशन है। बाकी आपकी कॉल है, टेक द स्क्रीनशॉट। पीछे वाले का भी लेना ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस फाइंड द इक्वेशन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन द ओरिजिन। ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। इसका फंडा क्या होता है ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है मैं एक अप्रोच सिखा रहा हूँ वो ध्यान रखना, दोनों कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दीजिए तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी वो आ जाएगी -4x -3y +6=0। और दूसरी जो लाइन आ जाएगी L2 हो जाएगी 5x +12y +9=0। तो एक्चुअली में फंडा क्या होता है, मैं एक आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर दोनों लाइनें गिवन है उसके जो कांस्टेंट टर्म है C1 और C2 अगर वो दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो प्लस साइन बाइसेक्टर होता है वो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर होता है, सिंपल सी चीज़ है। मैंने दोनों को पॉजिटिव लगा दिया, अब प्लस साइन बाइसेक्टर लिखूंगा तो माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस का 6/5 इक्वल्स टू प्लस साइन 5x +12y +9/13, ठीक। नोट पर डाल देता हूँ, इफ C1 एंड C2 ग्रेटर देन 0 तो दिस इंप्लाइज प्लस साइन will contain origin, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आंसर आपका मैच कर जाए तो 5 आएगा 25, तो x 25 हो गया, 13 26 52 25 और 52 काफ़ी लंबा चला जाएगा मैनिपुलेशन में, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 7x +9y -3। इसको सॉल्व करके जो आंसर आता होता है 7x -9y +9y -3। एक्चुअली मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन करने भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। मैंने फंडा आपको समझा दिया, अगर ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर चाहिए तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, C1 C2 को पॉजिटिव बनाया, प्लस साइन का जो बाइसेक्टर खुलेगा वो ओरिजिन कंटेनिंग बाइसेक्टर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी तो तीन लाइन कंकरेंट होंगी, तीन लाइन कंकरेंट होने का मतलब है, तीन लाइन कंकरेंट होने का मतलब है कि वो किसी एक पॉइंट से पास करेंगे L1 L2 एंड L3। तो तीन लाइन अगर कंकरेंट होती हैं तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा जिससे ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तीनों लाइन ये तो थ्री कॉन्स्टेंट्स ABC नॉट ऑल जीरो कैन बी फाउंड सच दैट ए इज दिस थिंग बी इज दिस थिंग सी इज दिस थिंग देन द थ्री स्ट्रेट लाइन कैन बी कंकरेंट। ये वैक्टर वाला कंसेप्ट है, करेक्ट है कि दो वेक्टर तीन वेक्टर एक पॉइंट पे कंकरेंट कब होते हैं वाला फंडा जो लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आप तो इसी से काम चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेट लाइन दिस 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 आर कंकरेंट फॉर्म आइसोसेलस ट्रायंगल फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज अ वेरी पॉपुलर वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर द जेई मेंस, क्यों आपको वो तीन लाइन देगा और फिर नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है आपसे, तीन लाइन देगा और नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, तीन लाइन देने के बाद वो आपसे नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, ये लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है और ये लाइन दे रखी है, और आपसे कहेगा इन तीन लाइन से बनने वाले ट्रायंगल का नेचर बताओ, क्या वो कंकरेंट हैं, क्या वो आइसोसेलस हैं, क्या वो इक्विलेटरल हैं, या क्या वो
क्या वो कंकरेंट है, क्या है वो आइसोसेलेस, क्या वो राइट एंगल है या क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें। आप बोलोगे सर आपने कंकरेंसी की बात एग्जांपल लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कंकरेंट ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सोचो फटाफट, दो सेकंड दे रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है मैंने कंकरेंसी की बात करी है तो 4 7 -9 आएगा, 5 -8 15 आएगा और 9 -1 और 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो अपने पास आ जाएगा 4 × ये गया माइनस का 48, ठीक है, प्लस का 15, माइनस का 7 टाइम्स ये गया 30, 45, प्लस का 9, सॉरी माइनस का 9, ये गया माइनस का 5, प्लस का 72। ठीक है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 4 टाइम्स हो माइनस का 48, प्लस का 15, माइनस का 33, माइनस का 7, माइनस का 15, माइनस का 9, सब नेगेटिव आ रहा है, 72 - 5 = 67। चेक कर लेना गड़बड़ी ना हुई हो कहीं, 4x + 7y - 9 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 9 ही है ना। ठीक है, 5 - 8 - 15 आएगा, अच्छा ये गड़बड़ कर रखा है, और 9 - 1 = 6 आएगा। ठीक है, सही है ये तो, 4 × -48 अब ये आ जाएगा 15 = 105 और 67 - 9 ये भी काफ़ी बड़ा फिगर आएगा, ये भी निगेटिव में बड़ा आएगा तो ये जीरो तो नहीं आ रहा है। फिर से चेक करो 4 4 48 प्लस का 15 माइनस का 7 ये गया 30, ये गलत लिखा है अपन ने, यहाँ पे कितना आएगा 15 - 9 = 135 माइनस का 9 प्लस दिस थिंग तो ये आ जाएगा माइनस का, ठीक है अब आ जाएगा, हाँ ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ पे, तो 135 माइनस का 105 आएगा और ये बन जाएगा 2 3, ठीक है माइनस का प्लस हो जाएगा 5 3 7 और 603 और 132 तीन तो 5 कट गया, अल्टीमेटली 0 आ गया, यानी लाइन्स कैसी आ गई कंकरेंट। तो ये तो कैलकुलेशन की, हमने कंकरेंसी का एग्जांपल लेना था, कंकरेंसी का एग्जांपल ले लिया। कहानी में ये आ रहा है कि सर आप बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे चेक करा जाए। भाई आपने तो बोल दिया, तो मेरे नवाबों ध्यान दो, जब भी तीनों वर्टिसेस पता है, अगर तीनों लाइंस की इक्वेशन अगर पता है और नेचर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, तीनों लाइंस पता है नेचर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, L1 पता है, L2 पता है, L3 पता है, तो वन ऑफ द केस होता है कि आप वर्टिसेस निकाल लो, ठीक है उससे चेक कर लो, वर्टिसेस आने के बाद नेचर ऑफ ट्रायंगल आ जाए, या फिर आप स्लोप्स निकाल करके चेक कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें जैसे एक ऑप्शन दे रखा उसने, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन दे रखा है तो आप तीनों के स्लोप निकाल लो, M3 निकाल लो, M2 निकाल लो और M1 निकाल लो, चेक कर लो क्या किसी का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर किसी का प्रोडक्ट -1 आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंगल करेक्ट है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी तीनों में किसी का प्रोडक्ट, तुमने M1 × M2 किया, M2 × M3 किया और M3 × M1 किया, अगर इनमें से किसी का प्रोडक्ट -1 नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक, सबसे पहले तो हमने कंकरेंसी को चेक कर लिया, कंकरेंसी रिजेक्ट हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल रिजेक्ट हो चुका है, अब बात आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके लिए फिर आपको मजबूरी में वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट आर्टिकल आता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या फंडा होता है, दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं इसमें अपने पास, कि अगर दो लाइनें दे रखी हैं L1 और L2, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दुनिया भर की लाइनें पास कर सकती हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दुनिया भर की लाइनें पास कर सकती है, सब नीली वाली लाइनें जो भी हैं, इन सबको रिप्रेजेंट कौन सी लाइन करती है, L1 + λ L2 = 0। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप कि अगर कोई दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दुनिया भर की लाइनें पास कर सकती है, जिनकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, L1 + λ L2 = 0। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा एक कोई भी रियल क्वांटिटी होगी। इसका रिवर्स क्या होता है, इसका रिवर्स ये होता है कि अगर किसी लाइन को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, किस फॉर्मेट में, L1 + λ L2 = 0 के फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो 110% वो लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा L1 = 0 और L2 = 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, देखिए द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पास इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 and L2 इज गिवन बाय L1 + KL2 = 0, दैट इज दिस थिंग। ठीक, और इसका जो नोट होता है वो मैं बता देता हूँ आपको,
ठीक है। नोट क्या कहता है, नोट एक चीज और कहता है कि इफ, नोट क्या कहता है, इफ एनी लाइन, एनी लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एल वन प्लस के एल टू इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू एल वन प्लस के एल टू इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज ऑलवेज पासिस, ऑलवेज पासिस थ्रू, ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल वन इज इक्वल टू जीरो एंड एल टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर हम किसी भी लाइन को एल वन प्लस के एल टू इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अगर हम किसी भी लाइन को एल वन प्लस के एल टू इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, जो कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल वन इज इक्वल टू जीरो एंड एल टू इज इक्वल टू जीरो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ ऑल द लाइंस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो सच दैट 3p plus 2q plus 4r is equal to 0, which of the one of the following statement is true? तो देखो बेटा इसका एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है वो समझना, कि जो ये px plus qy, qy plus r is equal to 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर तीन वेरिएबल थे, अगर हम इस तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन, तो हम वो फॉर्मेट ले आएंगे, तो उसके लिए ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है वो समझो, जो गिवन कंडीशन और जो गिवन लाइन है उसके कॉन्स्टेंट हमको सेम बना दो, तो क्या किया मैंने, गिवन कंडीशन को फोर से डिवाइड कर दिया, थ्री बाई फोर पी प्लस का टू बाई फोर क्यू प्लस का आर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे कंपेयर कर दो, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया थ्री बाई फोर और वाई इज इक्वल टू आ गया वन बाई टू, यानी यहाँ से हमने क्या इंटरप्रेट किया, यहाँ से हमने ये इंटरप्रेट किया तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट पर पास करेगी, पॉइंट कौन सा होगा, 3/4, 1/2, ये ट्रिकी अप्रोच है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकी अप्रोच, जो कि हमें पेपर में आनी चाहिए, इसे मैंने पहले इसको बताया, अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो मैं दूसरा मेथड दे देता हूँ, तो द लाइन आर कंकरेंट एट द पॉइंट 3/4, 1/2, ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। मान लो किसी को नहीं समझ में आया तो देखो क्या करा जाता है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो था, कंडीशन थी एंड क्या थी, 3p प्लस 2q प्लस 4r इज इक्वल टू जीरो, आर की वैल्यू उठाकर यहाँ चिपका दो, टोटल गेट इट ओवर दे, लाइन की क्वेश्चन आ गई पी एक्स प्लस का क्यू वाई, ये मैथड टू है हमारा, ठीक है, प्लस का आर, आर का मतलब हो गया माइनस का 3p माइनस का 2q बाई का 4 इक्वल टू जीरो, पी और क्यू की कोफिशन कलेक्ट कर लो, तो पी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3/4 प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वाई माइनस 2/4 इक्वल टू जीरो, पी से डिवाइड कर दो तो x माइनस 3/4 यहाँ बन गया q बाई पी को मैंने लिख दिया k इंटू वाई माइनस 1/2। अब इस लाइन को आप कंपेयर कर दो किससे, l1 प्लस k l2 इज इक्वल टू जीरो, तो l1 प्लस k l2 इज इक्वल टू जीरो, व्हाट दिस इंडिकेट, तो दिस टू इंडिकेट कि लाइन l इज इक्वल टू जीरो पासेस अ फिक्स पॉइंट, पॉइंट That is, कौन सा वो पॉइंट होगा, दैट इज 3/4, 1/2, ये लाइन कहां से पास करेगी, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, वो फिक्स पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, 3/4, 1/2 होगा, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमने उन्होंने फैमिली ऑफ लाइन के एक पर्टिकुलर एग्जांपल को ले लिया, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टाइम कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं ले पाऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हम ले रहे हैं किस, कौन सा आर्टिकल ले रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। वैसे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम पॉसिबिलिटी आने की, बट हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं मतलब भर का, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by2 ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब दो लाइन्स अगर जो ओरिजिन से पास करती है उनकी ज्वाइंट इक्वेशन, दो लाइन्स अगर ओरिजिन से पास करती है y=m1x एंड y=m2x, तो ये जो दो लाइन्स हैं ये जो ओरिजिन से पास करी इनकी ज्वाइंट इक्वेशन क्या आएगी, तो इसकी ज्वाइंट इक्वेशन ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। कंडीशन आती है इसमें
एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है, एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर, एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है, तो लाइन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होती है, लाइन्स आर कंकरेंट होती है, लाइन्स इमेजिनरी है, ये सब ठीक है। टेक द स्क्रीन शॉट। ठीक, अब देखिए अगर लाइन की इक्वेशन जो मैंने पीछे मानी थी वही मान ली, द टू इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई दिस थिंग, देन तो यहां से हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स वाई माइनस एम वन एक्स और वाई माइनस एम टू एक्स। जब मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ बेटा, तो ये दो रिजल्ट सिंगल के आते हैं, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच बाई बी और एम वन एम टू इज इक्वल टू ए बाई बी, जो कि आपको याद होना चाहिए। फिर स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था बेटा, जो टेन थीटा का फॉर्मूला आता है वो आता है टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये लाइनें कैसी हैं उस पर कंडीशन, तो इसी टेन थीटा से आप देख सकते हो, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर जीरो हो गया, मतलब ए प्लस बी जीरो हो गया, तो लाइन सर परपेंडिकुलर हो गई, राइट एंगल्स टू ईच अदर। अगर एच जीरो हो गया तो लाइन सर कॉन्सिडेंट, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया, टेन थीटा जीरो, लाइन सर कॉन्सिडेंट, इक्वल इंक्लाइंड हो जाएंगे टू द एक्सिस अगर एच इक्वल टू जीरो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइन्स परपेंडिकुलर हैं अगर पेयर ऑफ लाइन, तो कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जीरो, लाइन्स कॉन्सिडेंट थी तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और लाइन्स अगर इक्वल इंक्लाइंड थी, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए और सी। लाइन्स अगर इक्वल इंक्लाइंड है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। और होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री एन रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो पीछे लिखा है ना, ये जो क्या है, ये है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन वो लाइन्स होती है जो कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। द इक्वेशन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दीज स्ट्रेट लाइन इज क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसके बाइसेक्टर ले लूँ मैं, ये एक बाइसेक्टर और ये एक बाइसेक्टर, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगी, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन ये वाली होगी, बाइसेक्टर की ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस वाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन दिस थिंग, सीधा फॉर्मूला लगेगा, इस लाइन के बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए मतलब थ्री हो गया, सॉरी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, ये माइनस ये टू एच है तो माइनस का फाइव बाई टू, चेक कर लेना, टू एच था तो यहाँ एच आता था, माइनस फाइव था तो यहाँ माइनस फाइव बाई टू आएगा, ये बनेगा कितना, थ्री माइनस वन टू, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स वाई अपॉन माइनस फाइव, उस साइड ले जाएंगे तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स वाई माइनस का फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स वाई माइनस का फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो फाइव एक्स स्क्वायर फोर क्यों आएगा, मैंने गड़बड़ किया कहीं, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे फोर होगा तो ये फोर आ जाएगा, और ये फोर आ जाएगा तो ये टू आ जाएगा, तो ये टू आ जाएगा, तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, यहाँ करेक्शन कर लेना, फोर है फोर, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड किस तरीके से यूज किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करिए जा रही कि एनी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, एनी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, बेटा इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि हम कोनिक में स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, एनी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व, एनी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा, ये क्या होता है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू, रटा होना चाहिए आपको, ठीक। इसको कई लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में याद रखते हैं, वो भी मैंने लिख करके दे दिया, तो एनी सेकंड डिग्री कर्व विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इज जीरो, एनी सेकंड डिग्री कर्व विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, क्या मतलब है इसका, ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहे तो सेकंड डिग्री कर्व का मतलब बेटा ये हो गया कि जो लाइन्स होंगी ना बेटा वो ऐसे होंगे, अब की बार कि ये जो अपनी लाइन्स थी ना, ये इनको उठाओ और ऐसे ऊपर ले जाओ, इनको उठाओ व्हाइट वाली को और ऊपर ले जाओ, तो ध्यान से देखना, मैं फंडा समझा रहा हूँ आपको, कि मान ले व्हाइट वाली लाइन हमारी ये थी पहले, तो इनको उठाया मैंने और ऊपर लेके चला गया किसी पॉइंट पे, यहाँ रख दिया, तो ये ऐसे आ गई, ठीक। तो
ये जो है रेड कलर की लाइन वो इसको रिप्रेजेंट करेगी सेकंड डिग्री कर्व को, तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो सेम आएगा, थीटा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी थीटा था, पहले भी थीटा था, तो टेन थीटा की एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय जनरल इक्वेशन इज सेम एज दैट बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द होमोजेनियस पार्ट। तो जो एंगल पहले आ रहा था थीटा, वही एंगल अभी भी आएगा थीटा, पहली चीज, ठीक है। एम वन प्लस एम टू जो पहले था, एम वन प्लस एम टू जो पहले था वही अभी भी रहेगा, एम वन प्लस एम टू, एम वन इंटू एम टू जो पहले था वही अभी भी रहेगा, और टेन थीटा जो था वो अभी भी रहेगा, ठीक है। एक आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट होता है, होमोजेनाइजेशन। क्या आर्टिकल होता है वो समझा देता हूँ। होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब है? होमोजेनाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर अपने पास कोई भी एक सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है, ठीक है, सेकेंड डिग्री कर्व दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, करेक्ट है, एक लाइन दे रखी है, इन दोनों को जहाँ मुलाकात करेगी उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, उसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए आया था और ये पॉइंट बी आया था और ये पॉइंट हमारा ओ आया था, तो ये जो ओ ए और ओ बी की ज्वाइंट इक्वेशन होती है, अगर ये सेकेंड डिग्री कर्व था एफ और ये लाइन थी, तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन या होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक। तो किसी नॉन होमोजेनियस कर्व को होमोजेनियस कर्व में कन्वर्ट करना होमोजेनाइजेशन कहलाता है, विच इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर एडवांस एक्सक्लूसिवली, बट मेंस में फिर मैं बात वही बोलूंगा, इतने पेपर बन रहे हैं इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने होमोजेनाइजेशन पे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, होमोजेनाइजेशन के बारे में पूछा उसने, तो एनी सेकेंड डिग्री कर्व विद द लाइन होमोजेनाइज करना है तो हर एक टर्म की डिग्री सेम बना दो, टू थी टू थी टू थी, ये वन थी वन थी और ये जीरो थी, तो इस वन वाले को तो मैंने वन से रिप्लेस कर दिया, वन की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, तो वन क्या होगा, वो होगा एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस का एन इज इक्वल टू वन, तो ये जो वन था, ये जो वन था ये यहाँ बैठ गया, ये जो वन था ये वन यहाँ बैठ गया, और ये सी के बगल में, सी के बगल में वन है, मतलब डिग्री जीरो थी, डिग्री टू बनानी तो होल स्क्वायर में बैठा दिया, तो ये जो कर्व बना, ये जो कर्व बना, ये क्या बना है, ये होमोजेनियस कर्व बना है, होमोजेनियस कर्व बना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम होमोजेनाइजेशन, ठीक है। एक थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन पूरा नहीं करूंगा, स्टेप्स बता दूंगा, ध्यान से देखना। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस विद द कर्व दिस, ठीक। तो क्या कहा उसने वो समझो, उसने बोला एक कर्व दिया गया, एक लाइन दी गई है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऐसे और ऐसे, और मुझसे ये एंगल पूछा थीटा बताओ भाई, तो लाइन और कर्व को मैं होमोजेनाइज करना चाहता हूँ, लाइन और कर्व को मैं होमोजेनाइज करना चाहता हूँ, तो लाइन की इक्वेशन लिखा मैंने y माइनस थ्री एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये वन आ गया। अब इस कर्व को मैं होमोजेनाइज करूँगा, कर्व क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का एट वाई इंटू वन, करेक्ट है, इंटू वन, वन माइनस का इलेवन इंटू वन का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं वो देखना, इस वन को वहाँ रख रहे हैं, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का थ्री वाई स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का एट वाई इंटू वन, वन का मतलब है वाई माइनस थ्री एक्स बाई टू माइनस का इलेवन इंटू वाई माइनस थ्री एक्स बाई टू का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। हमें निकालना है क्या, थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये है किसकी वैल्यू, टेन थीटा की। तो हमें एच निकालना है, हमें ए निकालना है, हमें बी निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स वाई का कोएफिशिएंट टू एच को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से वन आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से चार माइनस तीन, चार इंटू माइनस थ्री बाई टू तो माइनस सिक्स आ जाएगा, और यहाँ से नाइन बाई फोर इंटू इलेवन तो माइनस का नाइन्टी नाइन बाई फोर आ जाएगा। ऐसे बी निकालेंगे तो थ्री आएगा यहाँ से, यहाँ से आएगा फोर प्लस का फोर, और यहाँ से आएगा वन बाई फोर मतलब माइनस का इलेवन बाई फोर। ऐसे टू एच एक्स वाई का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो टू आएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो चार दो आ जाएगा, आठ माइनस का तीन बाई दो चार तीन बारह माइनस का बारह आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का वन बाई फोर तो इलेवन बाई फोर, और माइनस का छः तो प्लस का सिक्सटी सिक्स बाई फोर, ठीक। तीनों वैल्यूज आ गई अपनी यहाँ पे निकाल करके,
ए आ गया, बी आ गया, एच आ गया, ए बी एच अगर तीनों आ चुके थे तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे टेन थीटा का, और यहाँ से हम टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जो आप निकाल दीजिएगा वैल्यू पुट करके, मैं आंसर आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इसका जो आंसर आता है वो आता है 2√2/3। तो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर आएगा 2√2/3, नहीं ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। काफी लंबा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी जितना इस ड्यूरेशन में मैं कवर कर सकता था मैंने कवर करा है। आप सबसे सजेशन है कि प्लीज इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटिवली आसान होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन को अच्छे से करिएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को वर्कआउट करना है। कल मैं सर्किल लेकर के आऊंगा, तो चाहे तो आप रिवाइज करके यहाँ पे बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जा करके जो वीडियोस आपको दिए गए हैं उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोज़ में। तो आप जा करके उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।